वो अजे टैसट कर रहे हैं कभी बर्मा में कभी जिस वे उम्मत मुस्लिमा खत्म हो जाएगी फिर किन्हें चू करनी थी आज बर्मा में चू नहीं कर रहे हैं। इस वास्ते मैं कहना इमाम हुसैन फरमाते सन जुलम के खिलाफ जल्दी उठो वरना कुर्बानियां बहुत ज्यादा देनिया पैनिया। हाँ उसे जुलम के खिलाफ तारीख लब्बा है कि यार रसूल अल्लाह खड़ी है। हाँ जी तो जेड़ा साढ़े ना हूं भी नहीं ना खड़िया हाँ तो फिर वह असी की कह सकते फिर वह इंतजार करे। हाँ हुज़ूर ने फरमाया फर्तकिबू इंतजाल करीहन हमरा व जलसलतन व कसफन व मसखन व खसफन। हुज़ूर ने फरमाया जब ए गल आन गया फिर इंतजार करना सुरख आंदियां आन जान गया फिर जलजले आ जाएंगे फिर लोगों के चेहरे मस्क हो जाने जा फिर लोग जमीन धस जाएंगे। हाँ उस वक्त तो पहले पहले के बर्मा दी हालत इतने पैदा हो जाए। हाँ वह बड़ा बेनियाज है हाँ जरा दीन नाल गद्दारी करे वह फिर यमन वालों कभी ऐसी कि असह हो जाना है। मैं खुद शाम होकर आया हलब योजी तरक्की दे मैं वहां उ मनाजिर देखे लेकिन मैं जो पहाड़ उत्ते चढ़िया तो मैं पूरे हलब जरा और डिशा छते हुए नजर आया। मैं पूछा यार ये छत डिशा की आँदी उन्होंने नहीं सी पता सी डिशा सदा वेखनिया लेकिन अज हलब एक मकान नहीं बचा। हाँ मैं खुद वेख के आया हलब मैं जो पहाड़ी उत्ते बस चढ़ी तो मैं वेख्या तो कोई मकान ऐसा नहीं सी जिदे डिश नहीं सी। मैं कहा यार मुसलमान इतने बेशरम हो गए वो कह लगे थे जी गल ना करना गिरफ्तार हो जाओगे। मैं कहा यार ये कोई गिरफ्तारी वाली बात ये बेहया हो गए तो पता नहीं तुम सारी रात डिशा ही वेखते हो तो अज हलब एक मकान नहीं रहा उसकी तस्वीर मौजूद हैं। ये मत कोई समझे कि सदा हरे भर वो बड़ा डाढ़ा है। हाँ जे अज तुम ना उठे ना दीन वास्ते तो फिर इंतजार करना ये तो हजूर ने खुद फरमाया फिर इंतजार करना सुरख आंदियां फिर जलजलिया का तो फिर जनाब शक्ल मसक होने का तो बदन इंजी मसक होनिया जिमें बर्मा के मुसलमानों पहले कटिया जाता फिर जलाया जाता फिर इंजी मसक होनिया तो फिर हाँ उस तो पहले पहले पाकिस्तानी खड़े हो जाए बस भाई बस दफा हो जाओ सारे अब मोहम्मद अरबी का दीन आएगा यार।